हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या बोल दी पब्लिक। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, और आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और गाइस आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या चीज तुम्हारे बेस के आजू बाजू बची है, तो गाइस ये वही ड्रैगन है जिसने हमारे यहाँ पे तीन तीन पीटी लोग, ये देख रहे हो यहाँ पे हमारे एक जमाने में तीन तीन पीटी बैठे हुए होते थे। तो पिछले एपिसोड में जो ना भाई इस ड्रैगन ने जो ना भाई उन तीनों की तीनों पीटी की यहाँ पे पीटी बनाई थी, और आज जो ना ये मेरे को मारने के लिए आया था। मतलब हिम्मत देख रहे हो भाई, मेरे को मारेगा भाई, क्या क्या वही पे उसकी पीटी बना डाली, और लाश जो ना ऐसा ट्रॉफी की तरह यही पे पड़ी रहेगी जब तक ये डिस्पॉन्ड नहीं होती भाई। इसके 2 मिनट का टाइम है तो 2 मिनट तक ये लाश यही पे पड़ी रहेगी भाई। हमारे डायनोस को मार के तो तुम्हारी हालत ऐसी होगी भाई, ठीक है। सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे राहुल द ग्रेट आ चुका है और उसका राज चलने वाला है रैग्नारोक आर्क इटरनल में। तो गाइस आप सबका स्वागत है आर्क इटरनल में, और गाइस मैं यहां पर लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क इटरनल का। और आज के इस एपिसोड में जो ना गाइस, आपको पता है भाई, जब भी हम आर्क खेलते हैं तुम्हारे भाई के पास एक डायनो हमेशा होता ही होता है, और वो एक डायनो कौन सा है गाइस बताओ जरा, गेस कर लो। चलो भाई गेस कर लो, तुम्हारे पास भाई 30 सेकंड का टाइम है, देखते कौन कौन यहाँ पे बता पाता है। तब तक जो है ना भाई, मैं भाई अपना इंट्रो मार लेता हूँ कि गाइस 125,000 के लिए बस हमको भाई 200 और सब्सक्राइबर चाहिए यार। तो जिन्होंने भी नहीं करा है फटाफट कर देना सब्सक्राइब, और भाई कर दो यार गोल कंप्लीट यार। फिर ऐसा 150, फिर 2 लाख, उसके बाद भाई 3, 4, 5, उसके बाद 1 मिलियन ऐसा पहुंच जाएंगे ना धीरे धीरे करके, कर देना यार भाई। अभी तक 47% ऐसे बंदे जो डेली आते चैनल पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, लो कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आंडी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उनके चैनल को भी जाके जरूर से चेक आउट कर लेना गाइस, ठीक है। तो यार गाइस अभी आपका टाइम यहां पे खत्म हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमेशा कोई भी सीरीज में चालू कर लो, वो नॉर्मल हो या फिर कोई भी सीरीज हो, लेकिन उसमें जो है ना भाई हमेशा तुम्हारे भाई के पास एक ग्रिफिन होता ही होता है, मिनिमम वन ग्रिफिन तुम्हारे भाई के पास होता ही होता है। और मेरे को पिछले एपिसोड में जो ना शायद यहाँ पे इस तरफ या फिर इस तरफ एक ग्रिफिन दिखाई दिया था, और आज तुम्हारा भाई जो है ना भाई उसी ग्रिफिन को टेम करने के लिए जा रहा है गाइस। आज अपने भाई यहाँ पे जो है ना भाई पास आने वाला है कतई ज़्यादा खतरनाक वाला एलिमेंटल ग्रिफिन, लेकिन इटरनल ग्रिफिन आई थिंक, लेकिन मेरे को यहाँ पे ग्रिफिन, अरे हेलो अबे यहाँ पे ग्रिफिन था गाइस, मैंने देखा था अपने इन दोनों दोनों भाई काली काली अखियों से, भाई कहाँ पे चला गया मेरी काली काली दो अखियां, अरे भाई कहाँ पे, यहाँ पे देखा तू था गाइस, यहाँ पे ब्लड स्टॉकर ने भी मेरे को पकड़ा था, तब आसमान में तो उड़ रहा था यार वो, देखो ब्लड स्टॉकर है वहां पे, किसको डेम कर लू, ये चीज क्या है भाई, मेरे को ग्रिफिन मंगता था यार। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इंडोमेस रेक्स है क्या ना, प्राइम रॉक ड्रेक है, बग बेस क्या प्राइम रॉक ड्रेक के बच्चे, ये चीज़ क्या है बताओ मेरे को, लाइटनिंग करप्टेड प्रेसियर वो भी टेमेबल, ये क्या है, एक मिनट रुक जाओ ये चीज़ क्या है, वेट अ मिनट, हेलो ब्रदर, अबे तू भाई कुछ ज़्यादा गलत जगह पे नहीं है, ये चीज़ जो है ना मेरे को टेम करने का एकदम दबा के मन कर रहा है। और वहाँ पे जो है ना भाई इटर्नल लावा गोलेम भी है भाई, ठीक है। तो पहले मेरे को लावा गोलेम को जो ना या तो नॉकआउट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से वो आप तो वहाँ से उसको कल्टी मारवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। रुक जाओ मैं जो ना इस अजीबो गरीब करप्टेड डायनो को टेम करना चाहूंगा भाई, क्योंकि अपन हेलो ए भाई क्या कह, एक मिनट, ये अगर वर्क कर रहा है, ये लावा गोलेम के ऊपर वर्क कैसी करी, ये गन लावा गोलेम के ऊपर वर्क कैसी करी, वेट अ मिनट मेरे को बता नहीं भाई, अगर ये लावा गोलेम के ऊपर वर्क कर रही है तो मेरे को भाई इलेक्ट्रिक गोलेम चाहिए भाई। ए भाई तू यहीं पे रुकना, मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे लिए आ रहा हूँ भाई, भाई मेरे को इलेक्ट्रिक गोलेम चाहिए, लावा गोलेम के ऊपर वर्क कैसे करिए गन। ए मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक गोलेम पीछे छोड़ा था भाई, भाई उसको 400 सालों से यहीं पे छोड़ के रखा है मैंने भाई, ऐसे पर तू ये रहा भाई क्या, रुक जाओ इसके ऊपर भी वर्क होना चाहिए, ये अबे लगना, अबे लावा गोलेम तो वहाँ पे बेहोश हो गया। ए भाई हो गया गाइस, ओ जब ये नीचे बैठा हुआ होता है कवच में अपने, तभी अपन जो है ना भाई इसके ऊपर जो है ना भाई ये यूज कर सकते हैं गन, वरना नहीं कर पाएंगे। अब भी पता चला इस जो है ना वापस ऐसा लेटने दो जमीन के अंदर जान दो, जैसे जमीन के अंदर जाएगा ना मैं वापस इसको जो है ना टॉर्पर मारने का काम शुरू कर देगा। हाँ ये देखो जैसे जमीन के अंदर चला जाता है ना, जितना हो सके भाई उतना गोलियां मार दे, मार भेज के, मार, जय भद्रकाली। अरे ना ये ग्लिची है, ये यार ये वाला ग्लिची है पता नहीं क्यों,
लेकिन मेरे को लग रहा है ग्लिची है, फायर गोलेम टेम कर लूँ क्या फिर, या फिर उसी को टेम कर लूँ। ये इटरनल लाइटनिंग ना आई थिंक ग्लिची है बगी है पता नहीं भाई, इसको टेम करना कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को। वहाँ पे एक है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक बार चेकआउट करना है। हाँ इसको 400 के, हाँ मैं इसको उठा देता सबसे पहले। हाँ भाई अभी ये उठेगा, ये अभी उठेगा भाई, ठीक है अभी ये उठ गया 105। अभी वो वाला ग्लिची है भाई, ये देखो नॉकआउट हो गया कि नहीं, देख रहे हो ये लावा गोलेम तो बड़े आराम से नॉकआउट हो गया, फिर वो क्यों नहीं हो रहा भाई। ये वो ग्लिची वाला है भाई, मेरे को दूसरा एक लाइटनिंग गोलेम देखना पड़ेगा यार। लावा गोलेम कर लूँ क्या टेम, 5D लेवल का है, क्या बोलती पब्लिक कर लूँ क्या टेम, कर लूँ क्या, आ जाओ चलो अभी कर ही लेते हैं, आ जाओ नॉकआउट करा तो कर ही लेते हैं ना, काय को टेंशन लेने का, ले खा ले बेटा। आई शाबाश भाई, आई शाबाश। अभी ये मत बोलना तेरे लिए सैडल भी चाहिए भाई, अभी यार क्यों भी बस सैडल बोले भाई, ठीक है रुक जा भाई, तेरे लिए भाई सैडल लेके आता भाई। ये रहा गाइस अपना लावा गोलेम, आज वैसे मेरे को कुछ अलग चीज़ करनी थी टेम, लेकिन लावा गोलेम से भी अपना काम बन जाएगा गाइस, ठीक है टेंशन नहीं लेने का, लावा गोलेम से भी अपना काम बन जाएगा। अबे इधर इधर अंकल इधर, हाँ हाँ आराम से ठीक है। चलो गाइस इसको जो ना भाई थोड़ा बेस पे लेके जाते हैं, और ये लाइटनिंग गोलेम जो ना वो ग्लिची है। मैं जो ना भाई अभी ट्रांसमीटर पे जो ना भाई सर्च करके शायद अगले एपिसोड में ना यहाँ पे अपन लाइटनिंग गोलेम भी टेम कर लेंगे। मेरे को पता नहीं मेरे को लाइटनिंग लावा उसके बाद कौन बच क्या बचा क्या, फायर वाला एंड आइस वाला सारे के सारे गोलेम चाहिए भाई। मेरे को पता नहीं गोलेम कलेक्शन बढ़ाएगा, गोलेम की आर्मी बनाएगा हमें गाइस, ठीक है अपनी गोलेम आर्मी बना डालेगा, डर देगा भाई इसके आग, ठीक है ले बेटा रुक जा तू ये पे रुकना, मेरे को जो ना भाई इस गोलेम का सैडल बना दो गाइस, रुको ये अटैक ना कर दे भाई इसके आग। 5 minutes later आ जाओ गाइस, अपना जो सैडल है ना भाई वो यहाँ पे बन चुका है। एंड ओ ये क्रिस्टल क्या है, इक्विपमेंट अ कस्टम स्लॉट एंड इट विल ड्रॉप डायनोस मूवमेंट परफेक्ट फॉर वंडर क्राफ्ट टाइप डायनोस, ठीक है पता नहीं ये क्या चीज़ है, ठीक है इसको अपन बाद में चेकआउट कर लेंगे। फिलहाल के लिए भाई लोग ये रहा हमारा, अरे ये तो इटर्नल थ्योरी है भाई लावा गोलेम, ये रहा गाइज अपना कतई ज़्यादा ओपी वाला एलिमेंटल फायर गोलेम, अपन इसको लावा गोलेम बोलते भाई। ओ मागो तुरुलाव लेट्स गो ना मेरे बाजिया, ओ यस, अरे अरे बैठे बैठे पिछवाड़े में आग लगी है भाई, कल मिर्चियाँ खाई थी क्या कुछ ज़्यादा ही, तो पिछवाड़े से आग निकल रही है भाई तेरे भाई, ठीक है भाई 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 रुक जाओ लेवल अप कर लेते, लेवल अप आ ही गए तो कर ही लेते हैं ना, क्या ही टेंशन है भाई, ठीक है टेंशन नहीं लेने का रे, टेंशन का ही देने का बाबा, ठीक है ले बेटे स्टैमिना में थोड़े डाल दिए, मेरे को डालने नहीं चाहिए थे लेकिन मैंने डाल दिए भाई, ठीक है चलो कोई ना 750 कर दूँ क्या, 800 हो गया ना भाई, 800 इनफ रहेगा, 800 नहीं हो चुका आई थिंक 18 million हो चुकी है ना तेरी हेल्थ भाई, 8 million ही हेल्थ है भाई, ठीक है चल एक काम कर ले यहाँ से कूद के थोड़ा अपना जलवा दिखाएगा, जलवे दिखाएगा अपने डैमेज के, वो ये जंप भी कर सकता है, ओ माई गॉड, अरे बैठे खतरनाक, ये कौन है, गाचा फ्रेंड, हेलो गाचा निकल भाई, इसका क्या 200K का डैमेज दे रहा है भाई, ये भाई काफी ज्यादा ओपी डैमेज दे रहा है, ठीक है चलो लेट्स गो। अभी जो है ना भाई अपन एक काम कर लेते हैं ना, इससे जो है ना किसी को पेलम पाल देने का काम करते हैं। वो वैसे इसके सारे अटैक में चेकआउट करना भूल ही गया भाई, ये वाला अटैक क्या करता, ये वाला अटैक जो है ना बेहोश करे हुए डायनो के ऊपर अपन अटैक करते हैं, देखते कितना जा रहा, अबे बैठे ये ले चल ये ले हो जा, अरे यार बैठे होगा योगा से होगा टेंशन नहीं है। 38,000 हो गए ठीक है, सी वाला है बिंगरी अटैक है जिससे भाई साहब यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ना भाई स्टोन इकट्ठा कर रहा है, 3,000 stone इकट्ठा करे है भाई इसने, ठीक है रुक जाओ। और लावा गोलेम की जो ना हेल्थ भाई कम भी होगी ना तो भी कोई फायदा मतलब अपना उतना नुकसान नहीं होता भाई, इससे क्या होता है भाई, मैंने कस्टम स्लॉट में रख तो दिया है और ये हिलना बंद कर दिया है, वाह बेटे वाह भाई, मेरे को बोल रहा था वहां पे रखो, मैंने रख दिया वो लोड स्टोन है, अच्छा बेटा मतलब अगर आप ये लोड स्टोन किसी भी डायनो के इन्वेंटरी में ऐसे ऐड कर दोगे ना तो इसका मूवमेंट जो है ना वो रुक जाएगा, ये हिलेगा नहीं एक ही जगह पे ऐसा भाई रुके रहेगा भाई, ये काफी अच्छी बात है। एक और मेरे को यहाँ पे भाई ये देख रहे हो लाइटनिंग गोलेम मिला है, मैं अगले एपिसोड में इसी लाइटनिंग गोलेम को जो ना भाई टेम करने की कोशिश करेगा गाइस, ठीक है और अगले एपिसोड में थोड़े से ट्रैंक भी बना लेता हूँ, अगर इनकेस भाई अपना एरो टेक वाले एरो वर्क नहीं करेंगे तो ट्रैंक तो वर्क करेगी करेगी भाई, ठीक है ले बेटे खत्म भाई, यार वहाँ पे वो चीज़ है भाई अबे अरे पानी में नहीं गिरना था बेटा ठीक है पानी में कैसा है, ये पानी में भी काफी ओपी स्पीड है इसकी, ए भाई एंशिएंट ऑर्ब ले लेता हूँ, एंशिएंट डायनो टेम करने के काम आएगा भाई, ठीक है ये चीज मेन है भाई, ठीक है डीएनए मेन है भाई, ठीक है और ब्लड भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड जो इवॉल्व करने के लिए चाहिए होता भाई, ठीक है भाई पानी में देख रू क्या स्पीड है गाइस, अरे फुल टू तबाही मचाने वाली स्पीड है पानी में तो,
देखो तो, और इसके ऊपर अगर अपन बैठते तो अपना ऑक्सीजन ही खत्म नहीं होता। व्हाट? देखो तो मेरा ऑक्सीजन बार ही गायब हो चुका है, ना ही इसका ऑक्सीजन बार दिखाई दे रहा है। भाई ये खतरनाक है बहे, ये कतई ही ज्यादा खतरनाक है। और पानी के अंदर भी ऐसे भाई पत्थर वित्तर इकट्ठा कर रहा है भाई, ये काफी ओपी है भाई। तू तो काफी ज्यादा ओपी है। इसको पेल डाल, पेल डाल, भेज क्या, चेप डाल, चेप डाल, चेप डाल। 69 ओपी बोल रहे गाइस, 690 का भाई डैमेज दे रहा है ये। शिवाला अटैक दिखा, ओके इसका भी उतना ही अटैक है। रुक लगा इसका थोड़ा सा ज्यादा अटैक होगा ये अटैक का, लेकिन उसका भी उतना ही है भाई। ठीक है, ये पत्थर वाले का जो ना काफी लो अटैक है भाई। ठीक है, ये देखो 100 के ओनली भाई। कछुआ खेल तो 100 के से ज्यादा है भाई, 100 के की भाई फटके से मरा नहीं हूँ कछुआ। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया भाई। ठीक है भाई, मेरे को किसी ना किसी को मारने के जैसा चुल मच रही है गाइज। अपने हाथ में अभी एकदम खतरनाक सा डायनो आया ना। वेट अ मिनट, व्हाट द हेल इज दिस एलिमेंटल पॉइजन? ये क्या होता है एलिमेंटल पॉइजन? वो था भाई, क्या बोलते उसको, अबे नाम ही भूल गया, एलिमेंटल पॉइजन स्कॉर्पियन था भाई, खतरनाक। मेरे को थोड़ा उंगली करने का मन कर रहा है गाइस। ठीक है, मेरे को किसी ना किसी को मारने का मन कर रहा है यार। ऐसा कोई बॉस जो मेरे टक्कर का हो भाई। 700 के भाई, इसको 1 मिलियन तक चला जाएगा। हाँ स्केलेटन वाला है ना भाई, स्केलेटन वाले बॉस को मारता। रुक जाओ, ये नॉट टेमेबल होता, ये नॉट टेमेबल होता स्केलेटन बॉस। ले बेटे खत्म, बाय बाय, सी यू लेटर मेरे बच्ची। भाई हेलो, मरता है कि नहीं भाई? मेरे को टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। ठीक है, मेरे को टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि मेरा जो आर्मर है ना, गोलेम हूँ ना मैं, इसके कारण मेरा आर्मर काफी ज्यादा तगड़ा है, तो मेरे को कोई मार भी नहीं पाएगा। प्लस अपने पास फायर अटैक है भाई, फायर अटैक है, तो उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है भाई। बर्निंग अटैक दे देता भाई मैं। ये देख रहे हो, इनफोर्स को फेल दो हवा में भाई, इसके अगर हवा में मैं अटैक ही ना कर सकता। ठीक है फिर रेन दो, चलो। ये भाई ड्रैगन मेरे पीछे पड़ गया, कल आना ड्रैगन। अरे मरने की चूल मचे के बग भेज गया, आजा 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 आजा, बग तेरी भेज की अखिया मारू इधर आ भाई। ड्रैगन को बहुत ज्यादा ही चूल मच रही है भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा ही चूल मच रही है। कहाँ पे चल गया, मर गया ड्रैगन। वो देखो गाइस, ये देखो बेचारे की पेटी, देख रहे हो। हम मुझे पंगा लेने आया था भाई, ड्रैगन की हवा टाइट कर दी गाइस अपन ने भाई। और ऊपर से जो ना गाइस अपना ये क्या है, व्हाट द, ये क्या है? अबे कल आना कल, चल 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 नीचे उतर, उसके बाद मारना है, नीचे उतरने के बाद मारना। लाड़ में मेरा पीछा कर रहा है गाइस। मैं कल्टी मार रहा भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हेलो बेस की आग तेरे, कहाँ पे चला गया ये, पता नहीं मेरा पीछा कर रहा है गाइस ये डायनो। ये डायनो नहीं, एक्चुअली में एक तरह से बॉस है भाई। वो देखो भाई लोग, क्या अबे मरने की चुल मची है क्या? उड़ता हुआ तेरे पिछवाड़े में लेना है क्या? पता नहीं भाई। ठीक है चलो, तो गाइस इसी के साथ जो ना गाइस आज का जो एपिसोड है हमारा आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क इटरनल का, यहीं पे खत्म करते हैं। ये हमारा खतरनाक सा फायर वाला लावा गोलेम जो है ना भाई लोग, ये आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिल जाएगा जब से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के, आर्क इटरनल के। तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't.